हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चॉकलेट मफिन्स, चॉकलेट कपकेक्स भी आप कह सकते हैं इन्हें। इसमें हमने ना तो किसी कोको पाउडर का यूज़ किया है, ना ही कॉफ़ी पाउडर और ना ही किसी चॉकलेट का यूज़ किया है। इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाना चाहूँगी कि ये किस तरह से इसका टेक्स्चर आया है। मैंने यहाँ पर ये पेपर कप लिए हैं, ये आसानी से जो है डीमोल्ड हो जाते हैं। इस तरह से देखिए, इसे स्ट्रेच करते रहिए और ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, एक प्लेट के फॉर्म में बन जाएगा ये। और फिर आसानी से आप कपकेक को जो है बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए, स्ट्रेच करते रहिए और ये पूरा ओपन हो जाएगा। फिर आप इसे आसानी से बाहर निकाल लीजिए कपकेक को। ये देखिए, कितनी आसानी से जो है बाहर आ गया। अब मैं आपको साइड से इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। कितनी अच्छी जालियाँ पड़ी हैं इसमें, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। ये देखिए, मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग केक बन करके तैयार हुआ है। आइए मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको। कट करने के बाद भी अंदर से इसका टेक्सचर देखिए, एकदम सुपर्ब है, सॉफ्ट है, मॉइस्ट है। मैं इसको प्रेस करके दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरी तरह से स्पॉन्जी भी बना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह के कपकेक के जो है मोल्ड लिए हैं। आप चाहें तो इस केक को जो है कटोरी में भी बना सकते हैं। छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं हमारे घरों में, उसमें भी ये केक आसानी से बन जाता है। या फिर जो कपकेक के पेपर कप के जो मोल्ड्स आते हैं उसे भी आप ले सकते हैं। मैंने इस तरह से लिया है। अगर आप चाहें तो इसे ग्रीस कर लें ऑयल या बटर से फॉर डबल श्योर, अदरवाइज़ ऐसे भी जो है परफेक्ट है। अब हम इस एक बोल लेंगे बड़ा सा और उसमें जो है 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे, फ्लेवरलेस, इसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1/3 कप मैं पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर मैं कम ही ले रही हूँ बिकॉज़ आगे जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे उस वो भी थोड़े से मीठे हैं, इसलिए शुगर का अमाउंट कम लिया है मैंने। अब हम एक स्ट्रेनर रखेंगे और उसमें 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लार यानी कि मैदा ऐड करेंगे। आप इसकी जगह व्हीट फ्लार भी ले सकते हैं, गेहूँ का आटा। और ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून कॉम्प्लान का पाउडर लिया है। यस फ्रेंड्स, कॉम्प्लान जो बच्चों को हम मिल्क में डाल के देते हैं, मैंने चॉकलेट फ्लेवर का कॉम्प्लान लिया है। और यहाँ पर 2 टेबलस्पून में मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। 1 टीस्पून यहाँ पर बेकिंग पाउडर है और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा है, चुटकी भर नमक है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह छान लेंगे, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी केक में हमारी। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कोको पाउडर या फिर कॉफ़ी पाउडर का यूज़ नहीं किया है, इससे टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा और बच्चों को खिलाने के लिए बहुत हेल्दी भी है ये। जैसे कि हम कॉम्प्लान मिल्क में ऐड करके उनको देते हैं तो वो बोर भी हो जाते हैं कई बार, तो मैंने सोचा इस तरह से जो है कपकेक्स बना करके उनको इंजॉय कराया जाए। अब हम इसमें 200 ml मिल्क ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये मिल्क जो है रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ना तो बहुत गर्म ना ही बहुत ठंडा। तो इसको जो है हम मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर सारा मिल्क ऐड कर दिया है और इसे जो है कट एंड फोल्ड मेथड से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस एवरीथिंग जो है कंबाइन हो जाए टुगेदर, इतना ही हम मिक्स करेंगे। केक का बैटर बहुत ही स्मूथ दिखने लगा है, अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप किसी भी तरह के ऐड कर सकते हैं। उससे पहले 1 टीस्पून मैंने विनेगर ऐड किया है। विनेगर ऐड करने से जो हमारा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है वो अच्छी तरह रिएक्ट करेगा और हमारा केक जो है बहुत ही सॉफ्ट और फूल के आएगा, स्पॉन्जी बनेगा। तो अच्छी तरह हम एक बार इसको भी मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम अपने चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने ड्राई फ्रूट्स में कुछ आलमंड्स, कैश्यू और अखरोट लिए हैं, वॉलनट्स। आप इसमें रेजिन्स भी ले सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आपके बच्चों को, आप उसको ऐड करें। 1 टीस्पून मैदे से मैंने कोट कर लिया है ताकि जो ड्राई फ्रूट्स है वो नीचे जाके बैठे नहीं, इक्वली इवनली स्प्रेड हो जाए पूरे केक में। इसको भी डाल करके हम एक बार मिक्स दे देंगे इसको। बैटर हमारा एकदम परफेक्टली तैयार है, ये देखिए अच्छा स्मूथ है। आपको कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है, ना बहुत पतला ना गाढ़ा। अब हम इसको जो है अपने कपकेक के मोल्ड्स में फिल कर लेंगे। हमें 3/4 ही फिल करना है बिकॉज ये थोड़ा फूलेगा भी। तो इसी तरह फ्रेंड्स हमने सारे कपकेक्स जो है अपने फिल कर लिए हैं और थोड़ा सा टैप कर दें। उसके बाद मैं यहाँ पर चोको चिप्स ऐड कर रही हूँ, जैसे कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। और हम अपने कपकेक्स जो हैं चॉकलेट फ्लेवर के बना रहे हैं तो चोको चिप्स इसमें बहुत ही अच्छे लगेंगे। थोड़े थोड़े से ऊपर हर कप में हम इसको ऐड कर देंगे और बस हमारे कपकेक्स जो हैं बेक होने के लिए रेडी हैं। उधर मैंने पैन जो है अपना प्रीहीट करने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। इसको हम इस तरह से प्लेट में अरेंज कर लेंगे, ये देखिए, ताकि जो है पैन में रखने में ईजी हो। पैन यहाँ पर मेरा प्री हीट है। अब इसमें एक स्टैंड रख देंगे इस तरह से और अपनी प्लेट को अरेंज कर देंगे। इसको लिड से कवर करेंगे और 25 मिनट्स के लिए इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बेक होने देंगे। 25 मिनट्स हो गए हैं। आइए हम चेक करते हैं अपने मफिन्स कपकेक्स। ओ वाओ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है इनका और ये अच्छे से फूल गए हैं। हम एक टूथपिक की हेल्प से इसे चेक कर लेते हैं कि ये बेक हुए हैं या नहीं। हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है, आप देख सकते हैं। एक और चेक करके बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए एकदम परफेक्ट आई है हमारी टूथपिक। सभी कपकेक्स जो है हमारे पूरी तरह बेक हो गए हैं परफेक्टली। ये जो है स्पॉन्ज और फ्लफी भी दिखाई दे रहे हैं, इनका कलर भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसमें शाइनिंग भी बहुत अच्छी आई है और ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए मैं इसे आसानी से जो है कैरी कर सकती हूँ। आइए इनको हम जो है बाहर निकाल लेते हैं एक ट्रे में और इन्हें हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद जो है मैं इसे डीमोल्ड करके दिखाऊँगी आपको। यहाँ पर हमारे कपकेक्स हैं थोड़े से ठंडे हो गए, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। आप गरम गरम इन्हें टच ना करें, अदरवाइज़ ये जो है इनका शेप जो है बिगड़ जाएगा, ये पूरे प्रॉपर अच्छे से नहीं निकल पाएंगे। तो इसी तरह से हम जो है प्लेट्स को, इनके कपकेक को खोल लेंगे। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस तरह से आपको इसे ओपन करना है और केक हमारा बन करके तैयार है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। बहुत जल्दी ही मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।